मुकेश और नीता अंबानी बने नाना नानी। ईशा ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। ईशा और दोनों बच्चे हैं स्वस्थ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नाना बन गए हैं। उनकी बेटी ईशा अंबानी ने 19 नवंबर को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ईशा की शादी उद्योगपति अजय और स्वाति पिरामल के बेटे आनंद पिरामल से हुई थी। ईशा ने 12 दिसंबर 2018 को आनंद पिरामल से शादी की थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। अंबानी फैमिली की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ईशा और आनंद को 19 नवंबर 2022 को जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद मिला है। ईशा और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। बेटी का नाम आदिया और बेटे का नाम कृष्णा रखा गया है। मुकेश अंबानी 2020 में ही दादा बन गए थे, जब आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका मेहता ने 10 दिसंबर को बेटे को जन्म दिया था। अब मुकेश अंबानी नाना बन गए हैं। ईशा और आनंद 12 दिसंबर 2018 को शादी के बंधन में बंधे थे। ईशा मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की इकलौती बेटी हैं। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने रिलायंस के कारोबार संभालने में पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उन्हें अक्टूबर 2014 में रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के बोर्ड में जगह दी गई थी। हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा को रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी जिम्मेदारी सौंपी है। ईशा रिलायंस रिटेल की कमान संभाल रही हैं। नेटवर्थ की बात करें तो फोर्ब्स ने साल 2018 में ही ईशा अंबानी की दौलत $17 मिलियन आंकी थी। रिलायंस समूह ने अपने पिता का हाथ बटाने से पहले ईशा ने नौकरी भी की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ समय के लिए मैकेंजी एंड कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम किया था। 2015 में ईशा को एशिया की 12 सबसे पावरफुल अपकमिंग बिजनेस वुमेन की लिस्ट में जगह मिली थी। आनंद पिरामल पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट है। उनके पास हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी है। ईशा और आनंद दोनों आईवी लीग पास आउट हैं, जहां ईशा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक किया, वहीं आनंद एमबीए करने के लिए हार्वर्ड चले गए थे। आनंद पिरामल रियलिटी के संस्थापक हैं, जो भारत की सबसे प्रशंसित रियल एस्टेट फर्मों में से एक है। पिरामल रियलिटी से पहले आनंद ने पिरामल हेल्थ की स्थापना की थी। आनंद ग्लोबल बिजनेस समूह पिरामल समूह के कार्यकारी निदेशक भी हैं।